नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार में महागठबंधन से नीतीश कुमार क्या अलग हुए और एनडीए का दामन थामा, रिश्तों में आई खटास अब जुबान को भी कड़वा कर रही है और इस कड़वे जुबान को सार्वजनिक मंच पर प्रदर्शित कर रहे हैं आरजेडी के युवा नेता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव। जी हां, सार्वजनिक मंच से तेज प्रताप न केवल अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि मारने पीटने तक की चेतावनी दे रहे हैं। आखिर रिश्तों में ये खटास क्या व्यक्तिगत है, सियासी वजहों से हुई तनातनी क्या मारपीट का मुद्दा बन सकती है? बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे। बिहार के सियासी गलियारों का पारा फिर से चढ़ता जा रहा है। औरंगाबाद में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के बोल बिगड़ गए और अब मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। उन्होंने भरी सभा में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर हमला बोला। बता दें कि आने वाले दिनों में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के बेटे की शादी होनी है, ऐसे में उन्होंने फोन के जरिए बुलावा मिलने की जानकारी दी और मंच पर से शादी समारोह में जाकर मारपीट और तोड़फोड़ करने की भी चेतावनी दी ताकि लोगों को पता चले। वहीं जेडीयू ने इस बयान की निंदा की है और इसे राजनीति के लिए घातक बताया है, जबकि इस पर बीजेपी की ओर से हमारे संवाददाता ने जब प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो ये जानकारी दी गई कि इस तरह का कोई आमंत्रण तेज प्रताप को नहीं दिया गया है। बोलता है माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री से बात कराइए ना। अरे बोलिए, बोल रहा हूँ, क्या बात है? ऐसा ही बोल रहे तब मेरा जो लड़का है ना, उसका लड़का का ब्याह है उत्तर से मोदी का, ब्याह में बुला रहा, बेइज्जत कर रहा है। ब्याह में जाएंगे तो वहीं हम पोर्ट खोल देंगे पूरा जनता के बीच में। लड़ाई चल रहा, हम नहीं मानेंगे, हम वहां भी राजनीति करेंगे, क्योंकि इस तरीके का जो छलने का आएके गरीब गुर्बा को जो मारने का जो काम किया, उसके घर में घुस के मारेंगे हम उसको, घर में घुस के। तेज प्रताप लालू यादव के पुत्र हैं और जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव का और उनके पार्टी का जो रहा है इतिहास, उस इतिहास के तहत वो आपराधिक रूप से जो है से अपराध की तरह बात करते हैं और जिस प्रकार से मारने की और धमकी देने की बात कर रहे हैं, इस पर तो जो है से खुद जो है से सरकार को इस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। ये बयान तो प्रतिक्रिया देने के लायक भी नहीं है। ऐसे निकृष्ट बयान देने वाले लोग राज्य के राजनीति में है, ये कहीं ना कहीं ये सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे लोगों को एक दिन भी राजनीति में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पिता एक पार्टी के स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अब इस मुद्दे को लेकर संघर्ष बढ़ता दिख रहा है। राजनीतिक द्वंद्व अब हाथापाई की बात तक पहुंच गई है। जिस तरह से तेज प्रताप ने सार्वजनिक मंच से घर में घुसकर शादी समारोह में जाकर तोड़फोड़ करने और मारने की चेतावनी दी है, उसे एनडीए के नेताओं ने गंभीरता से लिया है और इस मुद्दे को लेकर अब आरजेडी, लालू यादव, उनकी सीख और उनके संतान पर निशाना साधा जा रहा है। इस मुद्दे को राजनीति के लिए घातक बताया जा रहा है। नेताओं का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। हालांकि हम आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के नेता नित्यानंद राय ने भी दो दिन पहले ही इसी तरह का बयान दिया था। नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाने वालों का हाथ काट लेने की बात कही थी उन्होंने। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया और कहा कि अगर किसी को चोट पहुंची है, कोई आहत हुआ है, तो वो खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन तेज प्रताप इस तरह के शब्दों का कई मंच पर इस्तेमाल कर चुके हैं और काफी हंगामा भी मच चुका है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति बदलती नहीं दिख रही। औरंगाबाद में सभा के दौरान तेज प्रताप यादव ने मंच पर
जिस तरह से बयान दिया, शादी समारोह में जाकर तोड़फोड़ करने और मारपीट करने की बात कही है, उसकी आलोचना हो रही है। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जुड़े हुए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। संजय जी, एक युवा नेता जिसके कंधों पर आरजेडी के भविष्य की कमान सौंपने की तैयारी चल रही है कि वो आरजेडी को आगे और बढ़ाएंगे, बेहतर स्थिति में लाएंगे, उनके शब्द मारपीट और तोड़फोड़ वाले हैं। इस पर हालांकि एनडीए खेमे से विरोध दर्ज कराया जा रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है राजनीतिक स्तर की अगर बात करें तो? ये कोई स्तर ही नहीं है, जहां पर भाषा की मर्यादा लोग तोड़ रहे हैं, शब्दों की गरिमा नहीं समझ रहे हैं, और राजनीति को राजनीति के मैदान तक अगर रखा जाए और उस राजनीति की चीजों को व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में न लाया जाए तो शायद ये लोकतंत्र की ज्यादा खूबसूरती होती। लेकिन इन दिनों देखने में आ रहा है कि कभी इधर से कभी उधर से शब्दों को तार तार कर करके मर्यादा को तोड़ रहे हैं, और इन नेताओं से भावी पीढ़ी को, जो भावी पीढ़ी को बार बार संदेश दिया जाता है कि आपको भी राजनीति में आनी चाहिए, आपको भी समाज और सरकार के रूप में पहल करनी चाहिए, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि लोकतंत्र की मजबूती में आपकी भूमिका होनी चाहिए, तो शायद एक भावी पीढ़ी को एक अच्छा संकेत तो नहीं ही जा रहा है। कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत भावना, ठीक है व्यक्तिगत तौर पर कुछ हो सकता है किन्हीं को कोई कठिनाई, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की बात करना और वह भी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कि उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और मैं जब निमंत्रण के तौर पर जब उनके यहाँ जाऊंगा तो मैं इस तरह से करूंगा, हम नहीं समझते हैं कि कहीं बहुत ही एक बुद्धिमता का परिचय ये राजनीति करने वाले लोग दे रहे हैं। संजय जी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का एक अपना अलग अंदाज रहा है और लोगों के बीच अपने अंदाज की वजह से वो काफी लोकप्रिय भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि तेज प्रताप भी कुछ वही करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही अभी वो सही रास्ते का चयन नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, लालू प्रसाद के वो वारिस हैं, बतौर बिहार में उनको स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी गई थी, विधायक हैं, तो करना राजनीति में मुखर होना, राजनीति में अपनी बातों को मजबूती से रखना, ये कहा इससे कोई इनकार कर सकता है कि उनको नहीं रखनी चाहिए, हर कोई रखता है, उन्हें भी रखनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक बातों को राजनीतिक मैदान में ही रखनी चाहिए, न कि कोई व्यक्तिगत, किसी के घर की पारिवारिक शादी है उसमें किसी ने आपको आमंत्रित किया है और उस आमंत्रण को सार्वजनिक मंचों पर इस तरह से बोलेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका अच्छा संदेश नहीं जाएगा। लालू यादव जी भी ठीक है, वो मुखर रहे हैं, वो अपनी उनकी शैली रही है, अपने तरीके से बेवाकी से चीजों को बोलते रहे हैं, आप भी बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोलना कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन उस बोलने में आप भाषा की मर्यादा, शब्दों की जो सीमा है उसको जब लांघने लगेंगे तो वहां पर तो आपके ऊपर उंगली उठेगी, सवाल उठेगा और लोगों को लगेगा कि ये राजनीति का रास्ता कैसे भटक रहा है। अब अभी तो आपने नित्यानंद जी के बारे में कहा कि उन्होंने क्या कहा कि मैं अगर मोदी जी का, नरेंद्र मोदी के बारे में कोई कुछ बोलता है तो मैं हाथ काट लूंगा, तो ये हाथ काट लेना, नाक काट लेना, कान काट लेना, तोड़ फोड़ कर देना, ये राजनीति करने वाले लोग, क्योंकि वो उन पर समाज का एक दायित्व भी होता है, समाज उन पर एक संयम की उम्मीद भी लगाए बैठे रहता है, तो ऐसे संयमित लोगों से थोड़ा भाषा के प्रयोग में, शब्दों के प्रयोग में संयम बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, हालांकि नित्यानंद राय ने बाद में खेद भी प्रकट किया। हमारे साथ आरजेडी नेता जुड़े हुए हैं आस्तिक शर्मा जी और साथ ही राजेश राठौड़ जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता प्रवक्ता, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आस्तिक शर्मा जी, आप ही से ये जान लें, तेज प्रताप यादव का ये कहना कि शादी में जाएंगे तो तोड़ फोड़ करेंगे, घर में घुसकर सुशील मोदी को मारेंगे, कहां तक जायज ठहरा सकते हैं? देखिए दीपक जी, बात ऐसा है कि सुशील मोदी जी अद्भुत प्राणी है, राजनीति के अद्भुत प्राणी है, और उन्होंने बेटे के शादी को भी तमाशा बना दिया, विवरण किया है और तो बताया है, तो उसी भाषा को जवाब हमारे तेज प्रताप जी ने लालू जी के तरीके से दिया कि आस्तिक शर्मा जी, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना किस वजह से? बोले हैं तो मेरी जी बोलिए, तेज प्रताप जी के लोग हैं, कल उन्होंने कुछ
आस्तिक शर्मा जी, माफी चाहूंगा, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। हम दोबारा आपसे जुड़ते हैं, तब आपकी बात पूरी ठीक तरह से हम समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। तकनीकी कारणों से हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ समस्या आ रही है। बहरहाल हम राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, इस तरह की बातें करना, क्या राजनीति में मर्यादा का ख्याल किसी को नहीं है? बिल्कुल, हम लोग जिस दल से आते हैं, इसमें सबसे पहले अनुशासन मर्यादा ये सिखाया गया है। और हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तरह ही अन्य दलों के नेता या नेताओं एक साथ मर्यादा के साथ किसी शब्द को रखे तो ज्यादा अच्छा है। जिस प्रकार से दो तीन दिन से बिहार का जो माहौल है, टीवी के माध्यम से ही सुने हैं, तेजप्रताप जी का मैं सुना नहीं, दो दिन पहले मैंने प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नित्यानंद राय जी का सुना जी। वो संसदीय जीवन उनका लगभग 15-20 सालों का है। उन्होंने कहा जो नरेंद्र मोदी पे हाथ उठाएगा, उंगली उठाएगा, उस समय हाथ काट लूंगा, मैं उंगली काट लूंगा, उंगली मार डाकू की तरह वो करते हैं। किसी भी दल के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब कोई तेजस्वी तेज प्रताप पर इस प्रकार के आरोप लगे हैं या तेज प्रताप बोले हैं कि वो भी बोलना ठीक नहीं है, जब ये 29 साल का नौजवान है, एक तरफ 59 साल का नित्यानंद राय है, क्या तुलना किया जाए? बार बार सुशील मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पर एक आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, उनका आदत है, लगाते रहे। लेकिन अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हाथ काटने की बात कहे, उंगली काटने की बात कही, उससे भी तो सुशील मोदी जी को कुछ बोलना चाहिए था कि बिल्कुल राजेश जी बोलना चाहिए था। लेकिन अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो बाद में खेद प्रकट करते हैं, दुख जताते हैं, तो क्या उनसे सीख नहीं लेनी चाहिए आगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कहते हैं कि खेद प्रकट करने से पहले उनको बोलना ही नहीं चाहिए। भाजपा का बड़े नेता नित्यानंद राय जी तीन दिन तातावाद एमएलए रहे हैं, अभी सांसद हैं, संसदीय जीवन उनका लंबा रहा है। तो ये एक पहलू है। बहरहाल तेज प्रताप को ये समझना चाहिए। आस्तिक शर्मा जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, आप अपनी बात रखें। देखिए मेरी बात, दीपक जी, बात ऐसा है जी कि हम यही जानना चाह रहे हैं मीडिया के लोगों से कि जब जदयू के लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं तो वह उनकी राजनीतिक भाषा हो जाती है, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं तो राजनीतिक भाषा हो जाती है, जब हमारे नेता अगर कुछ बोलते हैं तो वह राजनीतिक भाषा ना होगा। ये जो सुशील मोदी अपना नकली तिलिस्म बनाए हुए हैं, उस तिलिस्म को तोड़ना जरूरी है कि नहीं? उसका मुख्य विरोधी दल हम लोग हैं। वो जो इस तरह से नौटंकी अपने बेटे के शादी में करना जा रहे हैं कि आज तक कोई नहीं, आस्तिक शर्मा जी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अपने घर की शादी किस तरह से करता है, इससे बाहर वाले को क्या मतलब है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हुआ जा रहा है? लालू जी के घर में टमाटर का चोखा बन रहा है कि बैंगन का चोखा बन रहा है, इसके लिए मोदी जी को कहला फिक्र है? वो राजनीति की बात करते ना, उनको उनकी बात को तो आप लोग नहीं लेते हैं। तो अब लगता है कि आरजेडी ने जो लाठी में तेल पिलाकर रखा था वो लाठी निकालेगी आरजेडी? लालू जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, लालू जी अगर तेजस्वी जी को अपना राष्ट्रीय जनता दल का नेता बनाते हैं तो सुशील मोदी जी के पेट में दर्द क्यों होता है? ये तो हम अपनी पार्टी में कर रहे हैं ना, अपने परिवार में कर रहे हैं ना। अच्छा, परिवार की पार्टी है वो, वही तो कह रहे हैं कि पारिवारिक पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ नहीं है। लालू यादव का जो खून है वो आगे जा रहा है गरीबों के लिए, वो लड़ाई लड़ रहा है, तो आपकी आपके नेता को बुला, मतलब हम उम्मीद करें कि अब विधानसभा में जुत्तम पैजार देखने को मिलेगा इस नजरिए से? नहीं नहीं, तो अगर कोई हम लोग पर हमला करेगा तो हम लोग उन पर स्वागत करेंगे फूल से। नहीं नहीं, तो अगर तेज प्रताप जी के बातों को सुने, एक बार आप फिर से सुन लीजिए आस्तिक शर्मा जी, हम अपने दर्शकों के लिए और आपके लिए एक बार फिर से सुनाते हैं कि तेज प्रताप ने औरंगाबाद की सभा में क्या कुछ कहा था, और उसके बाद फिर बताइए कि ये कितना सही है। एक तो वो हवाला देते हैं जिसे खारिज किया गया है बीजेपी नेताओं की ओर से, कि ऐसा कोई आमंत्रण तेज प्रताप को नहीं गया है शादी में आने के लिए, और वो उस आमंत्रण का हवाला देकर किस तरह की बातें रख रहे हैं, ये हम एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। माननीय मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री से बात कराइए ना। बोलिए, बोल रहे हैं हम, क्या बात है? ऐसा ही बोल रहे तो मेरा जो लड़का है ना, उसका लड़का का ब्याह है उत्तर से मोदी का, ब्याह में आप बुला रहा, बेइज्जत कर रहा है, ब्याह में जाएंगे तो वहीं हम पोर्ट खोल देंगे पूरा जनता के बीच में, लड़ाई चल रहा, हम नहीं मानेंगे, हम वहां भी राजनीति करेंगे, क्योंकि इस तरीके का जो छलने का
ऐसे गरीब गुरबा को जो मारने का जो काम किया उसके घर में घुस के मारेंगे हम उसको घर में घुस के। तेज प्रताप लालू जिस तरह से कहा गया है, आस्तिक शर्मा जी आपने सुना, क्या कहेंगे इस पर? कोई गलत नहीं है, राजनीतिक रूप से उन्होंने बात बोली है, कोई गलत नहीं है, हम नहीं गलत मानते हैं। चलिए संजय जी, आरजेडी गलत मानने को तैयार नहीं है इस तरह के बयान को, जबकि दूसरे नेता अगर इस तरह का बयान देते हैं तो उसका हवाला दिया जाता है कि वो जैसा बोलेंगे वैसा ही सुनने को मिलेगा, तो अब यही होगा? अब क्या विधानसभा में आरजेडी के विधायक जो लाठी में तेल पिलाकर रखे थे वो लेकर पहुंचेंगे और इधर से अपने हथियार लेकर पहुंचेंगे लोग? अब ये क्या करेंगे ये तो वही लोग बताएंगे और बेहतर उन्हीं लोगों की समझ होती है इन चीजों में, लेकिन मेरा अपना मानना है कि चीजों को रखी जानी चाहिए, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों अपनी लड़ाई लड़े, खूब मजबूती से लड़े, लेकिन भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, शब्दों की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि एक पीढ़ी जो राजनीति और राजनीति करने वाले लोगों के तरफ एक उम्मीद से देख रही है, उनको भी लग रहा है कि नहीं, नए नौजवानों को राजनीति में आनी चाहिए, तो सकारात्मक तरीके से बातें होनी चाहिए, और जब सकारात्मक बातें होंगी तो वो लोकतंत्र को और मजबूत करेगा, उसकी और खूबसूरती बढ़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कल क्या करेंगे लोग या वो राजनीति का वही तरीका लगेगा। संजय जी आप कह रहे हैं कल क्या करेंगे लोग, ये अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। भाई मैं तो ये कह रहा हूं ना कि भाषा की मर्यादा किसी के तरफ से नहीं तोड़ी जानी चाहिए, वो पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो। जी हम एक प्रतिक्रिया, सैयद अफजल अब्बास साहब हमारे साथ जेडीयू नेता जुड़ चुके हैं। सैयद अफजल अब्बास साहब स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। शुक्रिया सैयद अफजल अब्बास साहब, तेज प्रताप ने औरंगाबाद में जो कुछ कहा आपने भी सुना होगा, जानकारी मिली होगी कि सुशील मोदी के शादी समारोह में अगर गया तो तोड़फोड़ करूंगा, घर में घुसकर मारूंगा, इस तरह की बातें, क्या राजनीतिक जो माहौल है बिहार का काफी गंभीर और काफी परिपक्व माना जाता है, वैसे में इस तरह के बयानों की कहां जगह है? देखिए इस तरह की बयानबाजी कोई भी नेता छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो, और अगर खुद वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर से आरजेडी उनको देख रही है और चुनाव भी लड़ना चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा शेमफुल बातें हैं, ऐसी ऐसी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना और फिर ये कहना कि तोड़फोड़ करेंगे शादी में जाएंगे। मैं समझता हूँ तेजस्वी जी से एक, मैं भी समझता हूँ कि पोटेंशियल है, कुछ कुछ कर सकते हैं, जैसी बातें करते हैं ना कि इससे की बातें। सैयद साहब तेजस्वी ने ये सब नहीं कहा, तेज प्रताप ने कहा है, अगर मेरी वजह से गलत सुनने में आया तो माफी चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें करना किसी भी पार्टी के नेता के लिए, खुद उसके लिए शर्म की बात होती है। आप शादी समारोह में जाए और किसी को बुलाया जाए उसके बाद तोड़फोड़ करेंगे मारपीट करेंगे, मैं समझता हूँ कि इससे घिनौना बात हो ही नहीं सकती है। आप क्या किस उद्देश्य कहाँ का प्रयोग, पूरे तथ्यों की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है जी। लेकिन आस्तिक शर्मा जी बचाव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है तो ऐसी बातें तो सुननी ही पड़ेगी। नहीं किसी के शादी की अब राज्य प्रतिद्वंदिता का मतलब ये थोड़ी कि हम तो किसी घर पर जाएंगे शादी भी आ जाए। प्रवचन कर रहे हैं अब्बास जी से, इनके सहयोगी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि मोदी के खिलाफ जो लोग बोलेगा उसका हाथ काट लेंगे, पब्लिक से अपील कर रहे हैं। तो मोदी के खिलाफ तो भाई लालू जी और लालू जी का परिवार बोले। आस्तिक शर्मा जी उन्होंने माफी भी मांगी, अगर आपकी जानकारी में नहीं होते आपको एक तगड़ा कमा रहे हैं वो माफी मांग रहे हैं, कोई तरीका नहीं तो तेज प्रताप तो माफी मांगने को भी तैयार नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सपोर्ट कर, इसका मतलब कि आप भी उसे अनुसरण कर रहे हो इस पर, इससे इसका मतलब आप भी भाजपा के जिन नेताओं ने कहा था उसी का अनुसरण आप कर रहे हैं, यही होता है की आपका अनुसरण आप करें। ये चर्चा चलती रही बड़ी अच्छी बात है, लोकतंत्र में स्थिति बात नहीं होती, मर्यादा का सैयद अफजल अब्बास साहब युवा नेता हैं आरजेडी के, इन पर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और कहा यह भी जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो अगर ऐसे लक्षण हैं तो क्या उम्मीद करते हैं विपक्ष के तौर पर आरजेडी आपको नजर आएगी? ऐसे लक्षण है तो इसका आप खुद ही एक बड़े पत्रकार है, बड़े अंकर आप खुद ही लगा सकते हैं। और आने वाला
चुनाव जो है उसे मोदी जी को भी जवाब मिल जाएगा और भाजपा और जदयू को भी जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल बिहार की जनता जवाब देगी, इससे इनकार नहीं है। कल भी आपको आपको जवाब दिया था, आज भी जवाब देगी, हमको भी देगी, इससे इनकार जनता जनता सब पड़ी है। 22 सीट से आगे तो भी आपको जवाब दिया था, 80 सीट से आगे भी आपको 80 सीट पर भी आगे तो भी जवाब दिया था। मैं कहा करो जनता सब पड़ी है, 22 सीट से आते तो भी जनता जवाब देता, 80 सीट आते भी जनता ने जवाब दिया। जनता सब कोई जिसको चाहे अपने माथे पर बैठा ले, सब को बैठा ले और जिसको चाहे अपने कदमों के तले कुचल दे। ये इसमें हम गर्व नहीं कर रहे, हम मान रहे आपकी बात को, आपकी भावनाओं को मैं कदम कर रहा हूँ। हो सकता है मैं हो सकता है, लेकिन जनता देख रही है आपकी मामले को जी। बिल्कुल आशिक शर्मा जी, आते हैं आपके पास। इस तरह से दोनों की बातें एक साथ आ रही है तो कौन क्या कह रहे हैं ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सैयद अफजल साहब, अब जबकि तेज प्रताप के इरादे स्पष्ट हो गए हैं तो क्या लगता है विधानसभा में किस तैयारी के साथ आप पहुंचेंगे? अपने तमाम सवालों के जवाब लेकर पहुंचेंगे या बचाव के लिए उपकरण लेकर पहुंचेंगे? जो भी बिहार सरकार, बिहार में जो मंत्री है, बिहार के जो नेता है, एमएलए, माननीय मुख्यमंत्री जी, सीनियर नेता है, जो भी कहना चाहते हैं, जो भी इल्जाम हुए, जो भी बातें, उसका जवाब देने के लिए हर पार्टी स्वतंत्र है और जाहिर सी बात तो जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, सवालों का जवाब नहीं दीजिएगा तो और सवाल पर सवाल होंगे। तो मैं कहता हूं कि जो भी सवाल हमारे तरफ से उठेंगे तो उनको भी जवाब देना चाहिए, उनके तरफ से उठेंगे तो सवाल का जवाब विधानसभा में हो या विधानसभा के बाहर उसका जवाब उनको मिल जाएगा। बिल्कुल आशिक शर्मा जी, जब समस्या है तो सवाल कीजिए, सवालों से घेरिए, शब्दों से घेरिए, ये लाठी और मुक्कों से घेरने की कैसी रिवायत है? जब हाथ कटेगा तो क्या करेगा, चुप रहेगा? हाथ कटेगा ठीक है, हाथ को काटने के लिए बोले तो आप चुप रहिएगा? इससे बड़ा धमकी आज तक कोई भारत के लोकतंत्र में दिया था? मतलब तेज प्रताप जी बराबरी कर रहे हैं, मुगल काल को भी फेल कर गए, मुगल काल में भी फेल कर गए, मुगल काल को भी भुला दिए ये लोग। ऐसा निरंकुश स्वराज तक देखा ही नहीं है भारत के लोगों ने। अच्छा, तो उस तरफ के लोग निरंकुश हो गए और तेज प्रताप कृष्ण अवतार हो गए? नहीं तो आप क्या चाहते हैं, हम लोग पोलिटिकल भाषा भी नहीं बोले, हम जनता को बोल रहे चुपचाप अपना हाथ कटने के लिए आगे कर दो। तो फिर उनकी बातें पॉलिटिकल क्यों नहीं मान रहे हैं? उनकी बातें हिंसक हो गई और आपकी बातें राजनीतिक? मतलब हुआ कि भाजपा के उनके घर में, मतलब भाजपा के जीते हुए क्षेत्रों में जाकर उनको हराएंगे, यह बात हुआ। अभी अभी कितना सीट जीते हुए हैं, अभी कितना एमपी का जीते हुए हैं मालूम है ना आपको? वो सारे घर में जाकर उनको हराएंगे, यह बात हुआ। पूरा तोड़फोड़ करेंगे, यह हुआ। चलिए, शायद तेज प्रताप यादव अलग स्तर पर जनता से संपर्क साध रहे थे और जो मीडिया को समझने में भूल हो गई, ये शायद आस्तिक शर्मा जी कहना चाह रहे हैं। लेकिन संजय जी, शब्दों के अपने मायने होते हैं, बाद में भले ही उनके तमाम तरह के तर्क के आधार पर मायने समझाने की कोशिश की जाए, एक बार अगर जनता को अंदाज पसंद आ गया तो फिर वो शायद तेज प्रताप को सराखों पर बिठा लें, लेकिन अगर जनता मतलब समझने लगी है तो फिर नुकसान शायद आरजेडी को ही हो। क्या लगता है, जनता अभी भी सराखों पर बिठाएगी इन इस अंदाज में, या फिर वो मतलब भी समझने की कोशिश करेगी? देखिए, भारत की जो जनता है या बिहार की जो जनता है वो परिपक्व है, सब कुछ समझती है, वो मायने भी समझती है और शब्दों का संवाद भी समझती है। लेकिन मेरा कहना है कि आप जनता से जब संवाद करें तो वहां पर भाषा की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें कि हम जो बोल रहे हैं उसको एक पीढ़ी सुन रही है और वो पीढ़ी, मैं कहता हूं कि ठीक है, ये पीढ़ी इनके साथ खड़ी हो सकती है और भी जो लोग इनके विरोध में वो भी इनके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक संदेश होना चाहिए और वो संदेश में लोकतंत्र की परिपक्वता ये है कि ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन आपके पास हो और उस जन समर्थन में अगर भाषा का संयम अगर आपके पास नहीं होगा तो चीजें कभी कभी उल्टी भी पड़ जाती हैं, उसका लाभ न मिल करके घाटा भी मिलने लगता है। अगर किसी नेता ने कल कुछ कह दिया परसों तो ऐसा नहीं है कि उसकी समीक्षा नहीं हुई या उसके बारे में लोगों ने नहीं कहा। आप भी अगर कुछ बोलेंगे तो आपके बारे में भी समीक्षा होगी, आपके बारे में भी लोगों बोलेंगे। इसलिए राजनीति में रहने वाले लोग को परिपक्वता दिखानी चाहिए, संयम बरतनी चाहिए और ठीक है पक्ष अगर है तो प्रतिपक्ष अपने तरीके से आरोप लगाएगा, प्रतिपक्ष अपने तरीके से लड़ाई लड़ेगा, लेकिन उस लड़ाई को आप ऐसे धार में मत लाइए जिससे लगे कि नहीं इन्होंने शब्दों को छोड़ दिया और अब चीजें इस स्तर पर आ गई। राजनीतिज्ञों के पास प्रहार करने के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं, उनके पास बोलने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, उसका लोग इस्तेमाल करें, मुद्दों पर बात करें
और मुद्दों से घेरे और तब ये लड़ाई ज्यादा अच्छा लगेगा, लोगों को भी अपील करेगा, समाज को भी अपील करेगा और भावी पीढ़ी जो राजनीति को बहुत ही देख रही है उम्मीद से, उसको भी अच्छा लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मर्यादा में रह करके चीजों को रखें, संवाद स्थापित करें जनता से, जिसकी बात आप इशारा कर रहे हैं, तो सबके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, राजेश जी से एक प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। राजेश जी, संयम की बात आ रही है, आप उस पार्टी के नेता हैं जिसके जिसके जड़ में रहा है ये मुद्दा संयम बरतने का, गांधी जी के विचारों पर चलने का। ऐसे में आप अभी भी आरजेडी के सहयोगी के तौर पर बिहार में मौजूद हैं, तो क्या सलाह देना चाहेंगे या फिर ये लगता है कि सलाह देने का कोई फायदा ही नहीं होगा? बिल्कुल दीपक जी, डॉक्टर संजय जी का मैं सुन रहा था, पूरा देश सुन रहा होगा कि हम सब को जो सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति हों या चाहे राजनीतिक हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, उनके अपने शब्दों के मर्यादा में रहना, शब्दों को मर्यादा में रखना चाहिए, शब्दों को मर्यादित तरीके से चुनना चाहिए, इसका तो परहेज करना चाहिए। और मर्यादित शब्द का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग करना कहीं ना कहीं समाज के में अच्छा संदेश नहीं जाता है। लेकिन इससे बड़ी विस्तारित की चर्चा हो रही है, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था सुशील मोदी जी का नाम, देश के इतिहास में पहला बार हुआ है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री की शादी के बारे में प्रेस मीट किया हो कि मैं शादी कैसे कैसे करूंगा, मैं डिजिटल राजेश जी करूंगा। एक बार फिर वही कहना चाहूंगा कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला के दीवाने होने की क्या वजह है? उनकी शादी है, उनके बेटे की शादी है, वो करें, प्रचारित करें अपना, अगर राजनीतिक फायदा भी उसमें उठाना चाहें तो उठाएं, उससे किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? बहरहाल माफी चाहूंगा, वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश राठौड़ जी, आस्तिक शर्मा जी, डॉक्टर संजय कुमार जी और सैयद अफजल अब्बास साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।